इमरान खान ने फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी है। कौम को वही ख्वाब दिखा रहे हैं जो 2018 से पहले दिखाए थे, मगर हुकूमत मिलने के बाद अपने मंशूर और अपने तमाम वादों से मुकर गए थे और सिर्फ अपनी ताकत और अपना इक्तदार दिखाने और बचाने में लग गए थे। इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ मई में भी एक लॉन्ग मार्च किया था, मगर उनका वो लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया था। इमरान खान ने आज दोबारा दावा किया कि अगर हम लॉन्ग मार्च खत्म ना करते तो अगले दिन खून खराबा हो जाता। हमने एक पुरअमन एहतजाज किया 25 मई को, जो उन्होंने तशद्दुद किया हमारे ऊपर, उसके बाद उसके अगले दिन मैं अगर वो ना उस वक्त उसको कॉल ऑफ करता तो अगले दिन वाकई इस मुल्क के अंदर इंतशार होना था, मुल्क में खून होना था अगले दिन। लेकिन इससे पहले इमरान खान मान चुके हैं कि 25 मई को उनकी तैयारी नहीं थी, अब तैयारी के साथ आएंगे। ये मैं अब फिर से निकलूंगा, अब हम निकलेंगे तैयारी करके। हमारी किसी की तैयारी नहीं थी। जिस तरह के पुलिस का हमारे ऊपर हमला हुआ, कोई भी तैयार नहीं था उसके लिए। इमरान खान ने ये रिवायत बना दी है कि वो हर नाकामी के बाद कहते हैं कि उनकी तैयारी नहीं थी, अब तैयारी हो गई है, पहले जो गलती की थी वो अब नहीं दोहराएंगे। 2018 के इलेक्शन में टिकट्स की तकसीम के मामले पर इमरान खान का आज मौकफ है कि 2018 में हमने टिकट्स के मामले पर बहुत गलतियां की, मैं कैंपेन में मसरूफ था इसलिए तवज्जो नहीं दे सका, मगर इस बार टिकट मैं खुद दूंगा और सिर्फ मेरिट पर दूंगा। मगर 2018 में इमरान खान ने खुद कहा था कि मेरी सरबराही में पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड ने मेरिट का पूरा ख्याल रखकर बेहतरीन उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। आज हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मेरी सरबराही में ज्यादातर जो हमारे टिकट थे वो हमने अनाउंस कर दिए। ये वो लोग हैं जो हम समझते हैं कि हमारी पूरी मदद करेंगे, मेरिट का पूरा हमने ध्यान रखा, बेहतरीन कैंडिडेट है जो इलेक्शन जीत सके। इमरान खान आजकल ये दावा भी कर रहे हैं और बार बार दोहरा रहे हैं कि उनकी साबका हुकूमत में उनके हाथ में कुछ नहीं था, जिम्मेदारी उनकी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी, वो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे, सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल करती थी। इमरान खान अपनी सारी नाकामियों की जिम्मेदारी एस्टैब्लिशमेंट पर डालकर बयानियां बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आइंदा ऐसी हुकूमत मिली तो नहीं लेंगे, मगर वो 2018 से पहले भी यही दावे करते थे और कहते थे कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मैं कभी ये जवाब पेश नहीं करूंगा कि मुझे फौज ने कुछ करने नहीं दिया, ये तो कोई बहाना ही नहीं है, अगर फौज कुछ नहीं करने दे रही है तो मैं ना अहल हूं और वजीर आजम बनने का हकदार ही नहीं हूं। इमरान खान की सियासी जिंदगी ऐसे यूटर्न्स और तजादात से भरी पड़ी है। 8 साल से ज़ायद खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत चलाने और फिर 4.25 साल तक वफाक की हुकूमत चलाने के बाद इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि उन्हें अब जाकर समझ आ गई है कि हुकूमत कैसे करनी है, पहले तो हुकूमत का हमें आइडिया ही नहीं था, ये बिल्कुल नई चीज़ थी हमारे लिए, अब तो हम सब कुछ जानते हैं और तैयारी करके आएंगे। गवर्नमेंट का भी समझ गए हैं कि अब हमें गवर्नमेंट में आके क्या तैयारियां करनी है, क्योंकि पहले तो हमें आइडिया ही नहीं था गवर्नमेंट का क्या, बिल्कुल नई चीज़ थी हमारे लिए और फिर हमें आइडिया ही नहीं था कि किस तरह के हर इदारे में किस तरह के क्राइसिस हैं, ये हमें पता नहीं था। पहली दफ़ा प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में आके मिली, अब तो हम जानते हैं सब कुछ, तो अब तो दोनों तरह तैयारी करके आएंगे। इमरान खान ने अपने 4.25 साल में 4 वज़ीर ख़ज़ाना लगाए। उनके आखिरी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने भी हुकूमत जाने के बाद कहा कि तहरीक इंसाफ बगैर किसी प्लान के हुकूमत में आ गई थी। सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है, जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था, इकोनॉमिक प्लान बनाते 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 हमारे पास टाइम लगा, उससे हमने हमारे रिटार्डेशन हुई है। मगर इमरान खान तो 2018 के इलेक्शन से पहले दावे करते थे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अपने लिए ज़बरदस्त तजर्बा करार देते थे। इमरान खान कहते थे कि शुक्र है कि हम 2013 के इलेक्शन में कामयाब नहीं हुए, अब हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत करने का तजर्बा है, अब हम तैयार हैं। हमारे पास एक प्रोविंस को गवर्न करने का 5 साल का तजर्बा है और ये बड़ा वैल्यूबल एक्सपीरियंस हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट मिल जाती 2013 में तो हमारी ऐसी प्रेपरेशन ना होती जो कि 5 साल में हमने सीखा है पख्तूनख्वा के अंदर। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 2018 में वफाक में हुकूमत में आने से पहले 22 साल तक ये दावा भी करते रहे कि उन्हें टीम बनाना आती है, उनके पास बेहतरीन टीम मौजूद है। हमें पूरा पता है किधर जा रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर कई पुराने होंगे, अक्सरियत इस कौम के नौजवान और नए लोग होंगे इस पार्टी के अंदर, टीम सिलेक्ट करनी मुझे आती है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा, मेरा ये चैलेंज है आपको। जो टीम मैं सिलेक्ट करूंगा वो एक तो एक नया पाकिस्तान बनाएगी और दूसरा वो मैच विनिंग टीम होगी। उन्हें 4 साल की हुकूमत में बार बार वजीर बदलते रहे और फिर भी कहते थे कि कई वजीर तो अब भी सीख रहे हैं। कई मिनिस्ट्रीज ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया, कई उन्होंने नहीं किया और कई सीख रहे हैं, कई आहिस्ता आहिस्ता उनकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। और अब एक बार फिर इमरान खान मुस्तकबिल के लिए कौम को माजी की तरह ख्वाब दिखा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब उन्होंने सीख लिया है, अब बेहतर तैयारी के साथ आएंगे। मगर सवाल यही है कि फिर टीम क्या होगी और तैयारी क्या होगी।
कि उस्मान गुजार फिर वजीर आला पंजाब होंगे, और अगर होंगे तो उनकी कारकर्दगी इस दफ़ा कैसे बेहतर होगी? वजीर खजाना कौन होगा? चार वज़राए खजाना में से कोई एक होगा या कोई नया होगा, और नया होगा तो कौन होगा? और अगर वजीर आजम खुद इमरान खान होंगे तो उन्होंने पौने चार साल में ऐसा क्या सीखा है कि उनकी अपनी कारकर्दगी बेहतर होगी? क्या वो वाकई एक कठपुतली वजीर आजम नहीं बनेंगे और अपनी हुकूमत अपने बलबूते पर चलाएंगे, एजेंसीज का सहारा नहीं लेंगे? और अगर नहीं लेना चाहते तो आज फौज से क्यों कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल ना रहे बल्कि इस हुकूमत के खिलाफ उनका साथ दे? और उन्हें फौज से यही शिकायत क्यों है कि तहरीक अदम एतमाद आने पर उनकी हुकूमत क्यों नहीं बचाई?